क्या है राघव, 305 का डिनर डिलीवर अब तक क्यों नहीं हुआ है? यहाँ गेस्ट चिक चिक कर रहे हैं। दीपा ले गई है, तो दीपा अब तक पहुंची क्यों नहीं है? Yes? Sir, dinner. हमने तो नहीं मंगाया। Special customers के लिए special service. अच्छा तो तुम? जी, माल गोदाम पहुंच चुका है, कल एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम तो सिर्फ सैंपल है। सर, डिश अभी गर्म है, टेस्ट कर लीजिए, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। आओ। तो बताइए क्या है स्पेशल खाने में? स्टार्टर में हॉट एंड सॉस सूप, इतना लजीज के आपकी भूख बढ़ा दे। मेन कोर्स में क्या है? मेन कोर्स में मैं। तुमने सही कहा था, डिश अभी गर्म है, टेस्ट कर लो वरना वेस्ट हो जाएगी। इतनी जल्दी भी क्या है? खाने से पहले तुझे गोली खाने की जरूरत पड़ती है। कौन हो तुम और ये सब क्या है? पहले तू बता ये कहाँ है। बता ये कहाँ है? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम शायद जानती हो कि तुम कहाँ हाथ डाल रही हो। पता ये कहाँ है, जल्दी बोल। नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा तो हम बताएंगे तुझे तेरा सबक। ये तुम सब गलत कर रही हो। हेलो, क्या? हम अभी आते हैं।
इतनी रात को कहाँ जा रही हो? कुछ अर्जेंट कॉल आया। कल ईशा का पेरेंट्स मीटिंग है, टाइम से तो आ जाओगी ना? कोशिश करूंगी। कातिल का काम है, सेम तरीका सेम मैसेज जैसे द्वारका वाले बॉर्डर में हुआ था। वही तरीका। फिर तो जरूर उसने हमारे लिए कुछ छोड़ा होगा। ये कैसा सबक है? सबक नहीं, किसी सनकी की सनक है। पिछले 10 दिन में दूसरा मर्डर केस है। ऐसा लग रहा है किसी के पागलपन की शुरुआत है। इससे पहले कि आदमी कुछ और करे, हमें इसे रोकना होगा। इंदिरा बाय 210 इंदिरा नगर। जल्दी। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो कंट्रोल रूम। पिछली बार की तरह शायद इस बार भी इसी जगह में मर्डर की वजह पता पड़े। चलो निकालो। ताला तोड़ो। उधर जाके देखो कोई और तो नहीं। Okay. मैम, कोई और नहीं है, बस एक ही था। मैम, ये लोग हमें यहाँ लेकर आए थे अच्छी नौकरी देने के बहाने, और अभी हमें विदेश भेज रहे थे। ये आदमी था। मैडम, सीरियल किलर के दोनों शिकार के फोन रिकॉर्ड्स में ये 10 नाम ऐसे मिले हैं जो दोनों विक्टिम्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे। पहला रतन बाबू,
जिसका मर्डर द्वारका में हुआ था, और दूसरा विनय कुमार जिसका कत्ल कल रात होटल में हुआ। ये दोनों भी इसी लिस्ट में शामिल। एक काम करो, इन सब पे बहुत बारीकी से नजर रखो, पूरा रिसर्च करो इन पे। हो सकता है सीरियल किलर का अगला शिकार इन्हीं में से कोई एक हो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अरे आप रो के रही हैं? अरे क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? कुछ बताएंगे हमको? डॉक्टर साहब, आप ये सब रख लीजिए, हमारे पास और भी है लाकर में, हम वो सब भी आपको दे देंगे। वो सब तो ठीक है, पर हमको ये तो समझाइए कि आपको हुआ क्या। डॉक्टर साहब, हमको एक बच्चा चाहिए। उठिए, चलिए, उठिए, चलिए, उठाइए अपने सब और निकलिए यहाँ से। डॉक्टर साहब, हमारा नाम मिसेस रेनू लाल है, हमका एक बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पर, वरना वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी मदद कीजिए डॉक्टर साहब, हमको एक बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए ना, हो जाएगा। आइए, 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 आइए। आप काहे घबरा रही है? आपके लिए इस लड़की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पास और भी है। नहीं नहीं, ऐसे किसी अनजान औरत का बच्चा लेकर नहीं। हाँ तो फिर? वो हमारी जान पहचान में एक वो लड़की है। हाँ तो फिर हमको मिलवा दीजिए। हाँ लेकिन हम तो उसको बताए नहीं है। अरे तो हम थोड़ा बताएं इन लड़कियों को कि हम इंजेक्शन देके इनको प्रेग्नेंट बना के इनका बच्चा बेच देंगे। नहीं ना बताएं, हो जाएगा है? बस आप हमको उस लड़की से मिलवा दीजिए। ठीक है, हम कल मिलवाते हैं आपसे। तो ठीक है फिर, कल मिलवाइए हमको। अरे रिन जी, ये क्या मजाक है? हाँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और लड़की कहाँ है? हाँ
जो तुम बोलोगे हाँ वो हम करेंगे। छोड़ दो हमको। छोड़ देंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है, तुझे अपने इस काले धंधे के बारे में खुद पुलिस को बताना होगा। हेलो, हम डॉक्टर रामलाल बोल रहे हैं। रामलाल? हाँ बोलो। हम आपके सामने कुछ कबूल करना चाहते हैं। हम अवैध रूप से औरतों को गर्भवती बना के उनके बच्चों को बेच देते। तुम ये सब करते हो? तुम हो कहाँ भी? मैडम आपको अरुण, तुम्हें बोले थे ना कि इन सब लोगों पे नजर रखो, पर रामलाल को किसी ने कैद कर लिया है। क्या? चलो अभी चलने की तैयारी करो और उसका फोन ट्रैक पे लगाओ। विनोद गाड़ी निकालो, सबको बोलो मैं के लिए गाड़ी को। छोड़ दो आपको। बस एक आखिरी सवाल, ये कौन है? के बारे में हमको कुछ नहीं पता। हम कसम खाते हैं, सच बोलते हैं हम। नहीं जानते तो फिर तुम हमारे किसी काम के नहीं। अरे कबूल तो लिए हम जो आप चाहते थे। चलो अंदर। नमस्ते। अरे लक्ष्मी से हमारे यहाँ पैर नहीं छुआते बेटा, कैसी हो तुम? हम ठीक है अंकल जी। जाओ मेरा उधर है। और दरोगा साहिबा, इस खूबसूरत लिबास में तो तुम जच रही हो। क्या बात है क्राइम रिपोर्टर साहिबा, साड़ी वाड़ी। क्या बात है, कहीं शादी वादी करने का तो प्लान नहीं है? शादी तो हमारी हो चुकी है क्राइम से। तो फिर तो तुम हमारी साथ हुई। हैप्पी बर्थडे। वन ऑन द रॉक्स। जी सुना है जब साथ में पीने वाला नशीला हो तो नशा दुगना हो जाता है। इस नशे का नाम रनाल। इस नशीली साथ के लिए कहीं बैठा जा। पार्टी में ना कहीं बैठने की तो जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। राइट। तो फिर इस पार्टी में किसी अकेली जगह पर चले हुँ? तो आपको पार्टी पसंद है? पसंद है पर आपसे ज्यादा नहीं। आई मीन आपके म्यूजिक वीडियो से ज्यादा नहीं। ओके तो हमारी म्यूजिक वीडियोस में क्या पसंद है आपको? सब कुछ। नहीं नहीं, कुछ तो ऐसा भी होगा जो ना पसंद होगा। हाँ एक चीज है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, कि हमारी जगह उसमें कोई और लड़की होती। ओके तो ये आपकी नापसंद है? नहीं ये हमारी जलन है, ईर्ष्या, क्योंकि हमारी जगह वो आपके नजदीक होती है। तो जलन क्यों? अब
हम हमेशा से आपके म्यूजिक वीडियो में काम करना चाहते हैं और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा इरादा सही, लेकिन ये जगह और ये वक्त ये ठीक नहीं। सही जगह सही वक्त हम बताएंगे ना। हमें इंतजार रहेगा। मैम, आज तक जितने भी खून हुए हैं सबका एक कॉमन लिंक मिला है। क्या? पुरानी फाइल्स में से ये तस्वीर मिली है। आज से 17 साल पहले शारदा नगर में गर्ल शेल्टर होम था। बहुत बड़ा कांड का खुलासा हुआ था। वहां की बहुत सी लड़कियां गायब हो जाती हैं, जिसका आज तक कोई पता ही नहीं चला। मैडम एक मिनट, अब ये फोटो देखिए। ये रतन बाबू हैं और ये विनय कुमार और ये डॉक्टर रामलाल। ये दोनों कौन? ये तो फिल्म प्रोड्यूसर है। आप जानती हैं इस प्रोड्यूसर का इस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? कमाल की बात है ना, 17 साल पहले ये आदमी एक शेल्टर होम में छोटा सा कुक था और अभी इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। क्या किया क्या इसने? नंबर तो निकालो इसका। हेलो। हेलो मिस्टर गिरीश। या कौन? मैं सीनियर इंस्पेक्टर मीरा बोल रही हूँ। मिस्टर गिरीश, हमें आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, सिर्फ आपसे। कोई और सुन तो नहीं रहा है? कोई नहीं, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? आपके साथ अभी कोई है तो नहीं? हमारी एक्ट्रेस है हमारे साथ, बोलिए। मिस्टर गिरीश, जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ वो बहुत जरूरी बात है, आप इसे गौर से सुनिएगा, बोलिएगा कुछ नहीं। आपकी जान खतरे में है, आप इस वक्त किसी भी अनजान आदमी के साथ नहीं रहिएगा और आप जहां कहीं भी हैं अभी के अभी हमें आपकी लोकेशन भेजिए। मैडम ऐसा क्या है? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप सिर्फ हमारी बात सुनिए और हम कह रहे हैं आपसे तुरंत अपनी लोकेशन हमें इस नंबर पे भेज दीजिए, वरना मजबूर हमें आपकी लोकेशन ट्रेस करनी पड़ेगी। ओके ओके मैं भेजता हूं। ओके सुलोचना। आए। लड़की A1 है प्रोड्यूसर साहब। मैं बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, अब XXID के साथ साथ ऑनलाइन सर्विस भी शुरू कर रहा हूँ। इससे तुम्हारे बिजनेस को, ऑनलाइन चैटिंग को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा प्रोड्यूसर साहब, लेकिन वीडियो एकदम क्लियर होना चाहिए। जो कुछ भी करोगे लैपटॉप के कैमरे की रेंज में ही रहकर करना है।
को अपनी अदाओं से मार डालो मुझे। ऐसे नहीं गिरीश सर। ओह आई एम सॉरी, आई मीन जान, आइए ना सीन को और भी ज्यादा रंगीन बनाते हैं। रोका किसने? तो आइए ना, चलिए। आप कहाँ? चलिए। कमरे में क्या बुराई है? अरे घबराइए मत, चलिए आइए आइए। बहुत शौक था ना तुझे हलवे में नशीली दवाइयां मिला के खिलाने का। कुछ याद आया बावर्ची चाचा? या दिमाग पे और जोर डालूं? हाँ मुझे कुछ पता नहीं। कुछ याद नहीं आ रहा? मैं बताती हूँ। हाँ बता बता, कौन है ये? बोल। मरते दम तक नहीं बत मरते दम तक नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। तो अब हम बताएंगे तुझे तेरा सबक। हलवा खिलाने का बहुत शौक था ना तुझे, ले खा हलवा। इतनी देर हो गई, कहाँ गए कहाँ दोनों? सीरियल किलर फिर अपना काम कर गया। तरुण पूरे घर की तलाशी लो। चलो। मतलब ये गिरीश अश्लील वीडियोस बनाने का धंधा करता था। सर, जल्दी ऊपर आइए। मृणाल, मृणाल तुम्हें क्या हुआ? मृणाल, आंखें खोलो मृणाल, मृणाल आंखें खोलो, देखो, देखो, मृणाल। पुलिस? मृणाल। तरुण, तरुण, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, बहुत खून बह रहा है, इतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। मृणाल। हेलो, एम्बुलेंस। मृणाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस रात गिरीश के फार्म हाउस में क्या हुआ था? मृणाल, तुम ठीक तो हो? हाँ, हमें गिरीश पर शक था कि वो म्यूजिक वीडियो की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहा है। हम उसे अपनी स्टोरी के लिए फॉलो कर रहे थे। वो हमें ऑडिशन के लिए लेके गया और उसने हमें एक वाइन का ग्लास दिया जिसे पी के हमें चक्कर आने लगे और हम शायद बेहोश हो गए। हमें ऐसा लगा जैसे कोई वजनदार चीज से हमारी
हमारे सर पे वार किया और उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अभी आराम करो। हाँ, अपना ध्यान रखो। ये सब क्यों करती हो? इतना रिस्क तू नहीं लेती। रिस्क यार, गले तो लगा लो, थोड़ा दर्द कम होगा। गलो तुम ध्यान रखो अपना। इस तस्वीर में 5 लोग हैं, जिनमें से 4 की हत्या हो चुकी है और बची ये औरत। करो एक काम, करो इसकी खोज चालू कर दो। इससे पहले कि कातिल इस तक पहुंचे, हमें इस तक पहुंचना होगा। इंक्वायरी शुरू कर दी है मैडम। अभी तक इतना पता चला है कि इसका नाम सुलोचना यादव है। बाकी का इन्फॉर्मेशन पांडे लेकर आ रहे हैं। हेलो मैडम, मेरा नाम रजनी है। लड़की A1 है प्रोड्यूसर साहब। भाई बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, अब XXID के साथ साथ ऑनलाइन सर्विस भी शुरू कर रहा हूँ। आपके NGO के बारे में मैंने बहुत सुना है मैडम, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या काम करना चाहती हैं आप? कुछ भी, कैसा भी, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मैडम। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस बस, कल से काम शुरू कर सकती हैं आप, लेकिन काम घर बैठकर नहीं हो सकता। मतलब? हम आपको एक लोकेशन पर भेजेंगे, कोठी नंबर 201 मॉडर्न लेन। हम मैसेज कर देंगे ना एड्रेस आपको, हाँ, वहाँ कल पहुँच जाइए। ठीक है मैडम। फॉर्म भर दीजिए, फोटो लाइए। हाँ, भर दीजिए फॉर्म। रजनी, ठीक है, कल पहुंच जाएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। मैम, तस्वीर वाली औरत सुलोचना यादव का इन्फॉर्मेशन आ गया है, एक NGO चलाती है। NGO? कौन सा NGO? महिला रोजगार संघ। परफेक्ट दीदी, सारा इंतजाम हो गया। यहाँ जो कुछ भी होगा वो NGO ऑफिस में बैठ के मैं लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन दीदी, ये साहब जी बहुत खतरनाक आदमी है, हम जो कर रहे हैं वो सही है ना? करना ही पड़ेगा, आज साहिब जी की रासलीला हाथ लगेगी। फिर साहिब जी थोड़ा कंट्रोल में आएंगे।
तुम जाओ एनजीओ ऑफिस में जा करके रिकॉर्डिंग संभालो। यहाँ आकर फिर तुम्हें रजनी का काम भी तमाम करना है। भागम भाग में चूक मत जाना। दीदी इससे पहले कभी चूक हुई जो आज होगी। चलता हूँ। मैडम आप कहाँ जा रही हैं अंदर? तेरी अम्मा से मिलने चल। साहेब जी आइए। साहेब जी इतनी मुद्दतों बाद इस तरह से मुलाकात हो रही है हमारे हैं? क्या साहिब जी आजकल आप जरा भी वैल्यू नहीं देते हमें। हाँ बहुत वैल्यू देते हैं मेरी सुल्लो। तभी तो तुमसे मिलने आए हैं। आज तो सुलोचना की लॉटरी लग गई। कौन हो तुम? पहले तू बता ये कहाँ है। तुम शायद जानती हो कि तुम कहाँ हाथ डाल रही हो। तुझे ये तो याद होगा ना। हाँ कौन है बता कौन? इस बारे में हमको कुछ नहीं पता। इतना मचाल तुम्हारा? नहीं साहब जी आपके लिए नहीं लगाए थे ये। साहब जी हमारी बात तो सुनिए। साहब जी अब सुनने को रह क्या गया? अब तुम खत्म। कोई है साहब जी जो हमें मारना चाहता है? साहब जी हम चुकी है ना सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए है। साहब जी कसम से साहब जी एक लड़की है जिसने ना गिरीश को मारा था साहब जी और शायद उसी ने रतन और रामलाल को भी मारा था। विनय को भी शायद उसी ने मारा था साहब जी। हाँ साहब जी वो लड़की आज यहाँ आने वाली है साहब जी। वो उसी के लिए हम कैमरे लगाए थे सर। उसी के लिए मतलब कौन लड़की? हमें भी बताते हैं आप साहब जी। अभी बताते आपको सब समझ में आ जाएगा साहब जी। हम झूठ नहीं कह रहे जरा सा भी। ये देखिए सर यही वो लड़की है रजनी नाम है इसका। ये गिरीश के साथ पहले काम करती थी अब हमारे यहाँ काम करने के लिए आई है साहब जी। नमस्ते अंकल। अरे लक्ष्मी से हमारे यहाँ पैर नहीं छुआते बेटा। ये तो मृणाल है।